जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लिटिल रॉकेट। फाइनली आज मैं जा रहा हूँ उड़ीसा। इतने दिनों के बाद जाने से पहले मम्मी ने मेरे को टीका लगाई, क्योंकि यात्रा से पहले टीका लगाना शुभ माना जाता है। हम लोगों ने सारे पैकिंग एक रात पहले ही कर दी थी। पापा ने कैब बुक किया और मैंने सारा लगेज लेकर नीचे आ गया। थोड़ी देर वेट करने के बाद कैब आ गया। हम लोग बैठ के निकल गए एयरपोर्ट की ओर। हम लोगों का डिपार्चर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर टर्मिनल 2 से था। ये एयरपोर्ट लास्ट ईयर श्री नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किए थे। 45 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। पापा ने ट्रॉली लेके सारे सामान उसके ऊपर रख दिए और हम लोग निकल गए चेक इन की ओर। सारे ट्रॉली बैग स्कैन होने के बाद फिर हम लोग पैकेज ड्रॉप के काउंटर पर पहुँच गए और सारे ट्रॉली को चेक इन कर गए। मैंने भी पापा को लगेज उठाने में थोड़ी सी हेल्प की। फिर हम लोग निकल गए डोमेस्टिक डिपार्चर की ओर, जहाँ पे पापा मम्मी को लैपटॉप तक चेक हुआ। सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद आराम से हम लोग सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आराम से हम तीनों लाउंज में रेस्ट किए। वहाँ पे बहुत टाइप के खाना रखा हुआ था, जिसमें मैंने इडली और फ्रूटी लिए। बहुत ही टेस्टी खाना था। लास्ट में मेरे फेवरेट बनाना भी मैंने खाया। हम लोग ने थोड़ी देर बोर्डिंग गेट के पास वेट किया। वहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर दोस्त मिल गया। उसके साथ थोड़ी देर खेलने के लिए मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। एक नई चीज़ देखने के लिए मिला। वहाँ पे वेटिंग चेयर में भी चार्जिंग पॉइंट था। फाइनली बोर्डिंग के लिए बुलावा आ गया। हम लोग के बॉस ने बैठ कर फ्लाइट के पास पहुँच दिया। नीचे उतर के मैंने देखा वहाँ पे ढेर सारा फ्लाइट था। मैंने मेरा बोर्डिंग पास लेकर सिक्योरिटी अंकल को दे दिया। फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ कर फ्लाइट के अंदर आ गया। मम्मा के गोदी में आराम से बैठ कर बुक पढ़ने लगा। बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। ऐसे लग रहा था हम लोग क्लाउड के ऊपर में हैं। कुछ 2 आवर्स ट्रैवल करने के बाद फाइनली भुवनेश्वर में पहुंच गए। वहाँ पे मैंने अपना लगेज पहले से लगेज कलेक्ट किया। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।